Hey everyone, good morning and welcome back to the channel. और आज हम बात करने वाले हैं study table organization की. तो work from home and online classes have become a new normal for all of us. स्कूल बंद है, बच्चे घर में हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो हमारे घर में भी जो एक टेबल थी स्टडी टेबल वो कम हो रही थी क्योंकि दो लोगों को स्पेस चाहिए था. ये वाला स्पेस पहले मोहित यूज कर रहे थे जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन अब वो ऑफिस जाने लगे हैं. तो मेरा मन था कि एक छोटा सा हैपनिंग प्लेस मैं आयु के लिए क्रिएट करूं जो उसके लिए डेडिकेटेड हो और जहां बैठकर वो अपने क्लासेस कर पाए. तो ये एम था मेरा. तो एक छोटा सा स्टडी टेबल का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, एक छोटा सा एक हैपनिंग प्लेस उसका क्रिएट करेंगे. बहुत ही लो बजट है, मैंने कुछ बाहर से नहीं खरीदा है. और मेरे पास ये कुछ फ्रेम्स थे जो मैंने जब बालकनी का मेकओवर किया था तब मैंने ये लिए थे. दिवाली के समय कुछ डील थी, 199 में शायद मुझे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मुझे मिले थे. लेकिन ये ना जैसे आप लोग को लग रहा होगा, दिख रहा होगा, ये बारिश में होके ना बारिश का पानी बालकनी में आता है तो थोड़ा सा ये ख़राब हो गए हैं इस तरह से. तो मैं इनको रिपर्पज़ करना चाहती थी. तो मैंने ज़्यादा कुछ शायद दो ही मुझे लगेंगे एज पर मेजरमेंट, तो मैं दो फ्रेम यूज़ करूँगी. और मैंने ग्लॉसी पेपर पर ये प्रिंट्स ले लिए हैं. तो मैं सोच रही थी पहले बेस कोट करने का, लेकिन ये काफ़ी थिक पेपर है तो मैं इसको ऐसे ही स्टिक करूँगी. और ये पीछे ऐसे ऐसे डबल साइडेड टेप से वॉल पर स्टिक हो जाएगा, तो ये मैं अभी स्टिक करूँगी. और ये पेस्ट करने के लिए मैं ये डेको मैजिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे काफ़ी स्मूथ सरफेस आता है. यहाँ मेरे पास अगेन एक मैश बोर्ड था जो कि पहले मैं अपनी कपबोर्ड में यूज़ कर रही थी और वो ब्लैक कलर का था, लेकिन मुझे चाहिए था वाइट तो मैं इसको पेंट कर रही हूँ. जो मैं अचीव करना चाहती थी इस मेकओवर से वो दो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्रिएट करना था एक ऐसा स्पेस जब वो क्लासेस करे तो डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, तो मैं उसकी सारी चीज़ें बुक्स और स्टेशनरी एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज करना चाहती थी जिससे बार बार उसको उठना ना पड़े. और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था वो था डेस्क स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए था क्योंकि लैपटॉप रखते हैं या टैबलेट रखते हैं उसके बाद उसको स्टडी का स्पेस भी चाहिए था. तो मैं कोशिश करूँगी कि जो वर्क स्पेस है या जो टेबल का स्पेस है वो बिल्कुल क्लटर ना हो, मुझे ज़्यादा सा स्पेस चाहिए उसके लिए भी और अपने लिए भी क्योंकि ये स्पेस मैं भी कभी कभी यूज़ करती हूँ. तो वो मेरे दो मेन ऑब्जेक्टिव थे. जो लेस क्लटर रखने का एक वर्क स्पेस होता है उससे एक तो हमें बहुत सारा एरिया मिल जाता है काम करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए, लैपटॉप, मोबाइल्स और जो उनकी नोटबुक होती है, राइटिंग स्पेस हमें ज़्यादा मिल जाता है. और जो सेकेंड और मेरा फेवरेट पार्ट है वो डस्टिंग का काम काफ़ी कम हो जाता है. ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादा डस्टिंग करने के लिए स्टफ़ तो वो मैं नहीं चाहती थी, बहुत ही कम चीज़ें चाहती थी. तो देखते हैं ये कैसे शेप लेता है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्योंकि टेबल नया ही है तो ज़्यादा कुछ क्लटर अभी इसमें है नहीं. सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को हटाकर उसको कॉलिन डालकर अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ. ड्रॉअर स्पेस अभी एम्प्टी ही है तो ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए. तो ये प्रेपिंग वर्क हमारा हो गया है और अब हम शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया. और ये बुक शेल्फ जो पहले हमारे लिविंग रूम में रहता था, आपने मेकओवर वाले वीडियो में शायद देखा भी होगा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उस बुक शेल्फ को अब मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी और नोटबुक्स रखने के लिए काफ़ी नीड थी स्पेस की. तो ये इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है. और यहाँ पर मैं बुक्स सेग्रीगेट कर रही हूँ नोटबुक्स से और मैं कैटेगराइज कर रही हूँ सारी नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक और जो भी वर्कशीट्स वगैरह हैं वो मैं पहले वाले सेक्शन में सारी अरेंज कर रही हूँ. उसके बाद जो सेकंड नोटबुक्स आती हैं वो उसके नीचे नहीं, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले सेक्शन में रख रही हूँ. उससे पहले वाले सेक्शन में बच्चों की सारी नॉवेल्स हैं जो ये बेड टाइम पर पढ़ते हैं या कभी भी इनका मन करता है, तो मुझे लगा ईजीली रीचेबल होनी चाहिए जिससे कभी भी ले सकें. और यहाँ पर ये सारी हार्ड बाइंडेड बुक्स जो हैं, जो फैक्ट्स बुक हैं, बिकॉज अथर लव्स टू रीड फैक्ट्स, ये सारी बुक्स जो हैं ये मैं बॉटम में अरेंज कर रही हूँ.
और यहाँ आ रहे हैं हमारे जिराफ राजा। ये प्लांटर मैंने हौजरानी मार्केट से लिया था और मुझे ये बहुत क्यूट लगता है। फर्स्ट और अगर देखें तो यहाँ पर मैंने ये नैरो बास्केट्स का यूज़ किया है। एक बास्केट में उसके पेंसिल्स, पेंसिल कलर्स और ये फेवी स्टिक है। इधर वाले बास्केट में भी पेंसिल कलर्स, कुछ क्लिप्स, शार्पनर, इरेजर्स, फिर यहाँ पर ये किड्स फ्रेंडली जो सीजर्स हैं वो है, छोटा सा टेप एक दिया है और एक ये स्टेपलर है। सेकेंड वाली जो ड्रॉअर है इसमें भी एक बास्केट यूज़ की है। इसमें लैपटॉप का चार्जर, टैबलेट का चार्जर है, ये कैलकुलेटर है जो मेनली मैं ही यूज़ करती हूँ, जो ऊपर वाइट बोर्ड लगा है उसका डस्टर है ये इस तरह से, और वाइट बोर्ड के लिए यहाँ पर वाइट बोर्ड मार्कर्स हैं, और ये हाइलाइटर है। बहुत ही बेसिक सा सेटअप है, बहुत ही कम चीज़ें हैं जो कि एक टॉडलर को चाहिए रहती हैं, उसी हिसाब से अरेंज किया है सर। तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑलमोस्ट डन और अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़े से ब्यूटिफिकेशन की, जो सेंटर वॉल है उसके लिए। ये जो फ्रेम्स मैंने अभी आपको दिखाए थे ये वाला मैं लगा रही हूँ दोनों फ्रेम्स वॉल पर, साथ ही में मैं लगाऊंगी एक वाइट बोर्ड जो कि मैं पहले यूज़ कर रही थी अपने डाइनिंग टेबल के पास अपने लिए, वो मैं अब इसके साथ यहाँ पर लगा दे रही हूँ, मैंने लगा दिया है। और ये मेरे पास एक छोटा सा स्टिकर है विच आई गॉट फ्रॉम मिस्टर DIY, कुछ सेल चल रही थी तो मुझे ये 39 रुपीज़ का मिला था, मुझे लगा ये यहाँ पर अच्छा लगेगा तो मैं इसको यहाँ पर लगा दे रही हूँ। ये भी अगेन डबल साइडेड टेप से इसके साथ मिला था, उसी से लगा रही हूँ। ये मेश बोर्ड मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है और इसके साथ एक छोटी सी बास्केट भी है, जिसमें मैं सी आयु का ये फेवरेट शेवी है जो इसे बहुत पसंद है, ये टेडी बेयर, और उसके साथ प्लांट्स के बिना तो हमारा काम चलता नहीं है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक नर्सरी रग का, जब आयु बहुत छोटा था तो मैंने ये ख़रीदा था। इस तरह की एर्गोनॉमिक चेयर्स बहुत ही यूज़फुल रहती हैं, स्पेशली जब हम लॉन्गर आर्स के लिए काम करते हैं। आई एम स्टाइलिंग इट अप विद हिज फेवरेट कैप्टन अमेरिका कुशन। लास्टली आई एम एडिंग दिस ब्यूटिफुल गप विच ही गॉट फ्रॉम शीबा आंटी, थैंक यू सो मच शीबा इफ़ यू आर वॉचिंग मी, जिसमें है मेरे ही कुछ पेंस और मेरे ही ग्लासेस, क्योंकि ये प्लेस मैं भी काफ़ी यूज़ करती हूँ तो इसलिए। लास्ट में आता है लैपटॉप और एक कोट फ्रॉम अ मदर, जो कि मैं हमेशा अपने बच्चों को या हर एक मदर शायद अपने बच्चों को सिखाना चाहती होगी। If you like the video, share with your family and friends and consider subscribing our channel if you have not done already. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और अपने घरों में ही रहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स वेरी 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 गुड टू बी होम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।